ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार मित्रों, मैं सुरेंद्र गिंटड़ा इंडियन एकेडमी श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हम पढ़ रहे थे भारतीय इतिहास का पहला टॉपिक जो अपना चल रहा था, सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता के अंदर हमने पिछले वीडियो के अंदर पहले पहले वीडियो में उसके हम नामकरण को लेकर के पढ़ रहे थे, खोज को लेकर के पढ़ रहे थे। दूसरे वीडियो के अंदर हमने इसके निर्माता वगैरह कौन थे उन पर पढ़ा था। तो जो सेकंड वीडियो के अंदर हमने जहां से छोड़ा था उस पर हम चर्चा कर रहे थे कि सिंधु सभ्यता के निर्माता जो थे वो राम व लक्ष्मण के अनुसार आर्य थे, गार्डन चाइल्ड व क्रेमर के अनुसार सुमेरियन थे, राखल दास बनर्जी के अनुसार द्रविड़ थे और फेयर सर्विस व रोमिला थापर के अनुसार ग्रामीण संस्कृति के लोग थे। अब देखिए, हर जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ उसमें से एक उपयुक्त चीज हमें निकालनी होती है। तो इस तरीके से इसमें देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के निर्माता जो थे उसके बारे में सर्वमान्य मत है, विद्वानों ने जिस मत को सबसे ज्यादा भारी समर्थन से माना है वो थे राखल दास बनर्जी का मत जो था द्रविड़ जाति के लोग। तो सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे? द्रविड़ थे। अब इस तरीके से भी ये क्वेश्चन आ सकता है, मिलान करने वालों में तो आते ही आते हैं, लेकिन कई बार सीधा ही पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे और पहले ऑप्शन में आर्य डाल देते हैं, क्योंकि हमने वैदिक में पढ़ रखा होता है कि वैदिक संस्कृति के निर्माता कौन थे? आर्य थे। इसलिए हमें कंफ्यूज करने के लिए जानबूझ करके पहले ऑप्शन में दिया जाता है आर्य, जबकि आपको ध्यान में रखना है कि सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे? द्रविड़ जाति के लोग थे। द्रविड़ जाति के लोग जो थे वो सिंधु सभ्यता के निर्माता थे और ये मत देने वाले कौन थे? राखल दास बनर्जी थे। इस तरीके से हमने इनके निर्माता के बारे में पढ़ा था। अब पढ़ते हैं कि सिंधु सभ्यता का विस्तार, अगला टॉपिक अपना कौन सा है कि सिंधु सभ्यता का विस्तार। तो देखिए, विस्तार की बात करते हैं तो सिंधु सभ्यता का विस्तार जो कि अपना कि सिंधु सभ्यता के अंदर मैंने आपको कहा था कि हम इसको पार्ट में डिवाइड करके पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा खोज, उसके बाद में हमने पढ़ा था कि सिंधु सभ्यता के नामकरण को लेकर के, उसके अगले भाग में हमने देखा था कि इसके निर्माता कौन थे। उसी तरीके से इसको हम पढ़ते हैं कि सिंधु सभ्यता का विस्तार, बड़ा ही अच्छा टॉपिक है सिंधु सभ्यता का विस्तार। विस्तार से बहुत बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं, सिंधु सभ्यता का विस्तार। सिंधु सभ्यता के विस्तार की बात करें तो वर्तमान में लगभग ये 15 से 20 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है, यानी कि वर्तमान में इसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग 15 से 20 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो 15 से 20 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर यह सभ्यता फैली हुई है। सिंधु सभ्यता की जो आकृति है वो त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता जो फैली हुई है वो किस आकृति में फैली हुई है? त्रिभुजाकार आकृति के अंदर फैली हुई है। देखिए, इस तरीके के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, कई बार पेपर में पूछा जाता है कि राजस्थान की आकृति कैसी है, विषमकोणीय चतुर्भुज के समान है, इस तरीके से प्रश्न बनते हैं। उसी तरीके से ये प्रश्न भी पेपर में कई बार पूछा गया या पूछा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता की आकृति क्या है। तो उसमें ऑप्शन में होते हैं आयताकार, वर्गाकार, वृत्ताकार या त्रिभुजाकार। तो किस आकृति के अंदर है? त्रिभुजाकार आकृति में है। तो सिंधु सभ्यता लगभग 15 से 20 लाख वर्ग किलोमीटर में त्रिभुजाकार आकृति में फैली हुई है। सिंधु सभ्यता के अब तक लगभग 1400 स्थल खोजे जा चुके हैं, अब तक लगभग 1400 स्थल प्रकाश में आ चुके हैं, जिसमें सर्वाधिक स्थल जो खोजे गए हैं वो भारत में खोजे गए हैं। सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए हैं? भारत में खोजे गए हैं। भारत में अगर इनके स्थलों की बात करें तो कक्षा 12 इतिहास की किताब के अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है और हमें वही आंकड़े मानने पड़ेंगे। तो उसमें लिखा हुआ है कि सिंधु सभ्यता के भारत में जो स्थल खोजे जा चुके हैं उनकी संख्या है 917। कितने हैं? 917। तो सिंधु सभ्यता के लगभग 1400 स्थल खोजे जा चुके हैं, जिसमें सर्वाधिक स्थल जो हमें मिले हैं वो भारत से मिले हैं और उनकी संख्या है 917। उसके बाद हम बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान से सिंधु सभ्यता के लगभग जो स्थल मिले हैं वो मिले हैं 481। इस तरीके से बात करते हैं कि भारत से 917 स्थल सर्वाधिक स्थल मिले हैं, पाकिस्तान से 481 और अफगानिस्तान से भी हमें ये स्थल मिले हैं। अफगानिस्तान से जो स्थल मिले हैं उनकी संख्या है 2। तो इस तरीके से 917 भारत से,
481 पाकिस्तान से और दो जो हमें मिले हैं वो अफगानिस्तान से मिले हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता वर्तमान में लगभग 15 से 20 लाख वर्ग किलोमीटर में तीन देशों में फैली हुई है, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। ये त्रिभुजाकार आकृति में फैली हुई है। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक स्थल खोजे गए हैं भारत से, लेकिन ये ध्यान रखना, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल कहाँ से खोजे गए हैं। तो सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल हमें कहाँ से मिले हैं? पाकिस्तान से मिले हैं, क्योंकि जैसे हड़प्पा है, कोटती जी है, मोहनजोदड़ो है, तो ये सारे स्थल कहाँ से मिले हैं? पाकिस्तान से। लेकिन सर्वाधिक स्थल कहाँ से मिले हैं? भारत से मिले हैं। और भारत में भी पूछा जाए कि सर्वाधिक स्थल किस राज्य में खोजे गए हैं, तो वो मिले हैं गुजरात में। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक स्थल भारत से मिले हैं और भारत के किस राज्य में खोजे गए हैं? गुजरात में। पीछे मैं एक पेपर देख रहा था, उसके अंदर लिखा आया था कि भारत की आजादी के बाद सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए हैं। प्रश्न यही है, थोड़ी सी लैंग्वेज बदल दी। तो यानी कि अगर ये प्रश्न पूछा गया और इसका उत्तर क्या था, सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक स्थल भारत में थे और भारत के किस राज्य में खोजे गए, तो उत्तर क्या था? गुजरात के अंदर सर्वाधिक स्थल हमें मिले थे। तो इस तरीके से सिंधु सभ्यता कितने देशों में फैली हुई है? तीन देशों में फैली हुई है। कौन कौन से है? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। सर्वाधिक स्थल कहाँ से मिले? भारत से। कुल कितने स्थल खोज लिए गए हैं? 1400 स्थल खोज लिए गए हैं। और इस तरीके से सिंधु सभ्यता की आकृति क्या है? त्रिभुजाकार आकृति के अंदर ये फैली हुई है। इसके हम जो सर्वोत्तम बिंदु जो है, यानी कि सिंधु सभ्यता के छोर जो है, को किस दिशा में अंतिम छोर कौन सा है, उस पर थोड़ी चर्चा और कर लेते हैं। तो सिंधु सभ्यता के विस्तार को हम पढ़ रहे हैं। सिंधु सभ्यता के विस्तार को पढ़ा, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल पूछा जाए तो क्या है? तकरीबन विभिन्न आंकड़े हैं। पहले 13-12 लाख 99 हजार चला करता था, उसके बाद में 15 लाख का आया, लेकिन आधुनिक आंकड़ों के हिसाब से लगभग 17 लाख वर्ग किलोमीटर में, 16 लाख 99 हजार कुछ वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। तो इसलिए अमूमन इसको 15 से 20 लाख वर्ग किलोमीटर में माना जाता है। अगर इसके विस्तार की बात करें कि सिंधु सभ्यता के अंतिम छोर जो है, चारों दिशाओं के अंदर जो छोर है वो कौन कौन से, देखिए एग्जाम की दृष्टि से इसको पढ़ाया जा रहा है। पेपर में यही पूछा जाता है कि भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है, दक्षिणी बिंदु कौन सा है, राजस्थान का उत्तरी बिंदु कौन सा है, पूर्वी बिंदु कौन सा है। इस तरीके से पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं ज्योग्राफी के अंदर। उसी तरीके से सिंधु सभ्यता के अंदर बहुत बार पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, दक्षिणी बिंदु कौन सा है, पूर्वी कौन सा है, पश्चिमी कौन सा है। तो इन बिंदुओं की हम चर्चा कर लेते हैं। सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे उत्तरी बिंदु तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, सिंधु सभ्यता का भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो उसका नाम है मांडा। सिंधु सभ्यता का भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? मांडा। ये मांडा जम्मू कश्मीर में है। मांडा कहां है? जम्मू कश्मीर में है। और ये चिनाब नदी के किनारे स्थित है। कहां स्थित है? चिनाब नदी के किनारे स्थित है। तो सिंधु सभ्यता का भारतीय महाद्वीप में सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? मांडा है। मांडा किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। और किस नदी के किनारे है? चिनाब नदी के किनारे है। वहीं बात कर लेते हैं कि मांडा, देखिए ये जाना पहचाना सा शब्द लग रहा होगा। अमूमन घर में छोटे बालक को हम क्या कहते हैं? मांडा कहते हैं। तो वही मांडा शब्द है, याद बड़ा आसानी से रहेगा। वैसे आप जिस मांडा के बारे में सोच रहे हैं उसके बारे में मैं नहीं बता रहा था। तो यहाँ पर क्या था कि मांडा जम्मू कश्मीर चिनाब नदी के किनारे सिंधु सभ्यता का भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे उत्तरी स्थल है। बात कर लेते हैं, जब उत्तर की तरफ हम पढ़ करके आए थे, किस तरफ? उत्तर दिशा की तरफ पढ़ करके आए तो हमें मांडा मिला, लेकिन जब हम दक्षिण दिशा में गए, सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो था, दक्षिणतम बिंदु की बात करें, थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, आसानी से दिख जाएगा आपको। दक्षिणतम बिंदु था देमाबाद। देमाबाद ये कहां है? महाराष्ट्र में है। देमाबाद कहां है? महाराष्ट्र में है। तो देखिए बात कर रहे थे कि सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणतम बिंदु था वो कौन सा था? देमाबाद महाराष्ट्र में था। ये गोदावरी की एक सहायक नदी है, परवरा नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? गोदावरी की एक सहायक नदी है, परवरा नदी के किनारे स्थित है देमाबाद। देमाबाद की विशेषता हम पढ़ेंगे। देमाबाद से हमें क्या है कि कुछ मूर्तियां मिली है। प्रश्न पूछा जाता है सिंधु सभ्यता में गणेश प्रतिमा के या गणेश पूजा के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो कहाँ से मिले हैं? देमाबाद महाराष्ट्र से मिले थे। उसी देमाबाद की चर्चा हो रही है। तो सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? देमाबाद महाराष्ट्र है।
देमाबाद किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। देमाबाद किस नदी के किनारे है? तो पर्वरा नदी के किनारे है। इस तरीके से हम पढ़ते हैं कि सिंधु सभ्यता का उत्तरी बिंदु मांडा दक्षिणतम बिंदु कौन सा था? देमाबाद था। अब पढ़ते हैं सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु। सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु जो था वो था आलमगीरपुर। कौन सा है? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो है, आलमगीरपुर ये जो है मेरठ यूपी में है। कहां से है? मेरठ यूपी से है। तो देखिए सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? आलमगीरपुर मेरठ यूपी से। मेरठ का नाम सुनते ही आपके दिमाग में कोई प्रश्न आया होगा। हाँ बिल्कुल सही, कि भारतीय क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। इस तरीके से जो भी आंकड़े आते हैं, कुछ फेमस आंकड़े आते हैं, वो एक साथ याद होने चाहिए, तभी अपना इतिहास कुछ अच्छा माना जाता है। तो बात कर रहे थे आलमगीरपुर मेरठ यूपी से हमें क्या है कि सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल मिला था। आलमगीरपुर जो है ये यमुना की एक सहायक नदी है जिसका नाम है हिंडन नदी। क्या नाम है? हिंडन नदी। तो यमुना की एक सहायक नदी हिंडन नदी के किनारे हमें क्या मिला है? आलमगीरपुर मेरठ यूपी से सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल मिला है। तो इस तरीके से हमने पढ़ा कि भारतीय उपमहाद्वीप में सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा था? मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे है। सबसे दक्षिणतम बिंदु देमाबाद पर्वरा नदी के किनारे महाराष्ट्र में है। पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर मेरठ यूपी में है, ये यमुना की सहायक नदी हिंडन नदी के किनारे। उसी तरीके से बात करते हैं सबसे पश्चिमी बिंदु की। सबसे पश्चिम बिंदु जो था सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिम बिंदु था वो था सुत कांगेडोर। सुत कांगेडोर सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल जो था वो था सुत कांगेडोर। सुत कांगेडोर जो है ये, इसको मकरान भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक ही बात है, ये बलूचिस्तान, बलूचिस्तान पाकिस्तान में मिला है। और ये नदी जो थी वो थी दास्क नदी। तो इस तरीके से सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी बिंदु जो हमें मिला वो कौन सा था? सुत कांगेडोर था। सुत कांगेडोर जो कि सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिम बिंदु था, बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है, दास्क नदी के किनारे स्थित है। और सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी बंदरगाह भी अगर कोई पूछा जाता है तो वो कौन सा है? सुत कांगेडोर है। तो इस तरीके से हमने चारों दिशाओं के अंदर गए। तो हमने पढ़ा कि उत्तर में हमें मांडा मिला जम्मू कश्मीर में, दक्षिण में हमें देमाबाद मिला महाराष्ट्र में पर्वरा नदी के किनारे, और इन दोनों के बीच की जो दूरी थी वो 1400 किलोमीटर है। कितनी है? 1400 किमी है। तो दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 1400 किमी। तो प्रश्न बनता है कि सिंधु सभ्यता का उत्तरी व दक्षिणतम बिंदु की लंबाई कितनी है? तो लंबाई कितनी है? 1400 किलोमीटर। इसी तरीके से हमने पढ़ा कि सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? आलमगीरपुर है मेरठ यूपी के अंदर हिंडन नदी के किनारे। और सबसे पश्चिम बिंदु कौन सा है? दास्क नदी के किनारे बलूचिस्तान पाकिस्तान में सुत कांगेडोर है। तो सुत कांगेडोर और आलमगीरपुर के बीच की दूरी की बात करते हैं तो वो है 1600 किलोमीटर। कितनी है? 1600 किलोमीटर। तो इस तरीके से सिंधु सभ्यता उत्तर से दक्षिण तक 1400 किलोमीटर में और पूर्व से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर में फैली हुई लगभग 17 लाख वर्ग किलोमीटर में थी। इसके विस्तार की बात हो रही थी। तो हमने पढ़ा सिंधु सभ्यता का भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा था? मांडा। तो देखिए यहाँ एक शब्द लग रहा है भारतीय उपमहाद्वीप। अब पेपर में आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा होगा, और अगर आप उत्तर करके आते हो मांडा तो वो गलत माना जाएगा, क्योंकि सिंधु सभ्यता का ये सबसे उत्तरी बिंदु नहीं है। हाँ भारतीय उपमहाद्वीप में अगर पाकिस्तान भारत की बात करें तो सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? मांडा है। लेकिन सिंधु सभ्यता के सबसे उत्तरी बिंदु की हम बात करते हैं तो सबसे उत्तरी बिंदु की बात करेंगे तो वो है सुरतघोई। वो है सुरतघोई व मुंडीकाक। तो देखिए बात कर रहे थे कि सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु है वो कौन सा है? ये हिंदुकुश पर्वत के पार अफगानिस्तान के अंदर दो स्थल हमें जो मिले थे अफगानिस्तान से, सुरतघोई व मुंडीकाक। तो सुरतघोई व मुंडीकाक जो है ये सिंधु सभ्यता के सबसे उत्तरी स्थल है। बड़ी बात यह है कि इनकी नदियों के नाम भी हमें याद नहीं रखने पड़ेंगे, क्योंकि सुरतघोई सुरतघोई के किनारे और मुंडीकाक मुंडीकाक नदी के किनारे मिला है। और ये दोनों स्थल कहाँ है? अफगानिस्तान में है। कहाँ है? अफगानिस्तान में। तो इस तरीके से हमने पढ़ा कि सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु सुरतघोई व मुंडीकाक कहाँ है?
अफगानिस्तान के अंदर है, जबकि सिंधु सभ्यता के भारत में सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है, मांडा जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। तो इस तरीके से हम सिंधु सभ्यता के विस्तार को पढ़ रहे थे। थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं सिंधु सभ्यता की विशेषता को। इस वीडियो में बस विशेषता है उसको बताई जाएगी, उसके बाद अगले वीडियो के अंदर हम इसके प्रमुख नगर पढ़ेंगे, फिर इनकी विशेषताओं के ऊपर हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। लेकिन सिंधु सभ्यता की थोड़ी सी विशेषता की अगर बात करें, जो बहुत प्रमुख और परीक्षा में बार बार पूछी जाती है, उनमें बात करते हैं। मैं आशा करता हूं आपको ये सब समझ में आ रहा होगा, और इसके अंदर जो भी आपको बताया जा रहा है कि आप उनको इस टुकड़ों के अंदर पढ़े, आप उसी तरीके से अगर पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से याद होगा, हमें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारे हमेशा के लिए स्थायी हो जाएगा, और विभिन्न परीक्षाओं के अंदर इससे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बात कर रहे थे इसकी विशेषता की, किसकी विशेषता की, भूल गए होंगे क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि पढ़ तो रहे हैं पर पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं। तो हम पढ़ रहे हैं हड़प्पा सभ्यता को। किसको पढ़ रहे हैं? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की विशेषता की बात करें तो देखिए, सबसे पहले मैं इसके बारे में लिखता हूं कि ये प्रथम नगरीय सभ्यता थी। क्या थी? प्रथम नगरीय सभ्यता थी। ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। प्रथम नगरीय सभ्यता थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी, शांति प्रिय सभ्यता थी। बड़ी बात यह है कि ये क्या थी? शांति प्रिय सभ्यता थी। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये मातृसत्तात्मक सत्ता थी। यहां पर क्या थी? मातृसत्तात्मक सत्ता हुआ करती थी। तो फिलहाल इन्हीं पर थोड़ी बात कर लेते हैं कि अगर बात करें सिंधु सभ्यता की जब खोज हुई तो उसके समान की कुछ सभ्यताएं जैसे मेसोपोटामिया थी, मिस्र की सभ्यता थी, उनके बारे में देखा गया तो वहां पर क्या है कि कुछ चीजों का वहां पर मिलान हो रहा था, लेकिन पक्की ईंटों का प्रयोग जो था वो यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के अंदर देखने को मिला। मेसोपोटामिया में चूंकि पक्के ईंटों के कुछ मकान मिले, लेकिन विस्तृत रूप से जो मिले थे वो कहाँ मिले थे? हड़प्पा सभ्यता में मिले थे, लेकिन कहीं से भी नगर के अवशेष नहीं मिले थे। नगर पहली बार विश्व में बने थे या नगर जो देन है वो किसकी है? हड़प्पा सभ्यता की है। हड़प्पा सभ्यता के अंदर हमें हड़प्पा मोहन जोदड़ो जैसे विशाल नगर मिले थे, एक सुनियोजित तरीके से नगर मिले थे। चूंकि नगरीय विशेषता में इस पर हम बड़ी बारीकी से अध्ययन करेंगे तो कहता कि प्रथम नगरीय क्रांति कह सकते हैं। प्रथम नगरीय क्रांति कब हुई थी? तो ये कब हुई थी? हड़प्पा सभ्यता में, या यूं कह सकते हैं प्रथम नगरीय सभ्यता किसे कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता को। विश्व में सबसे पहले नगर बनने कब शुरू हुए थे? हड़प्पा सभ्यता के अंदर हुए थे। कांस्य युगीन सभ्यता, देखिए ध्यान देने वाली बात है कि जिस समय में या बहुत लंबे समय तक मानव जिस वस्तुओं का उपभोग करता रहा है वो उसकी संस्कृति बन जाती है। तो कभी मानव केवल और केवल पत्थरों पर डिपेंड हुआ करता था, निर्भर हुआ करता था, तो उसको पाषाण संस्कृति कहते थे। लेकिन धीरे धीरे मानव ने अपने जीवन के अंदर पहली बार एक धातु की खोज कर ली, और खोजा गया पहला धातु जो था वो तांबा था। अब मानव क्या था? पत्थरों के साथ तांबे पर भी निर्भर रहने लग गया, तो एक नई संस्कृति विश्व में चल पड़ी जिसका नाम था ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति। अगर हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता की बात करते हैं तो सिंधु सभ्यता ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति के अंदर आती है, लेकिन सिंधु सभ्यता के लोग क्या थे? वो ताम्र पाषाणकालीन यानी कि यहां पर इन्होंने एक नई धातु और खोज ली और वो थी टिन। तो इन्होंने क्या था? तांबा प्लस टिन, इन दोनों का मिश्रण करके एक नई धातु बना दी जिसका नाम था कांसा। यानी कि तांबे और टिन को मिलाकर के इन्होंने कांसा तैयार कर दिया। अब क्या था? तांबे के बर्तन टूट जाया करते थे, टिन के भी टूट जाया करते थे, तांबे और टिन के मिश्रण से जो नई धातु तैयार की कांसे, ये बर्तन मजबूत होते थे, टूटते नहीं थे, इनके बनाए हुए औजार मजबूत होते थे, टूटते नहीं थे। इसलिए सिंधुवासी जो थे अपने जीवन में जिस धातु का प्रयोग करते थे वो क्या करते थे? कांस्य का। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हम बात कर रहे थे शांति प्रिय, यानी कि सिंधु सभ्यता के लोग शांति प्रिय थे क्योंकि सिंधु सभ्यता में किसी भी स्थल से हमें हथियार नहीं मिले हैं। व्यापार प्रधान सभ्यता रही थी ये, चूंकि कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करने लग गए थे, लेकिन इनका मुख्य कार्य था वो क्या था? व्यापार। बात कर रहे थे मातृसत्तात्मकता की, जब हम इनका धार्मिक जीवन पढ़ेंगे तो वहां पर ये इसकी विशेषता भी आएगी कि सिंधु सभ्यता जो थी वो स्त्री प्रधान सभ्यता थी।
बहुत सारी मरण मूर्तियां मिली थी, पुरुषों की भी मिली थी, स्त्रियों की भी मिली, लेकिन स्त्रियों की मूर्तियां जो हमें मिली थी वो क्या थी, धार्मिक स्थलों से मिली और सोने चांदी के आभूषणों से लदी हुई थी। इसलिए ऐसा विद्वान विचार व्यक्त करते हैं कि सिंधु सभ्यता जो थी वो क्या थी, स्त्री प्रधान अर्थात मातृसत्तात्मक सत्ता थी। तो हमने पढ़ा इनकी कि विश्व में सबसे पहले नगर बनने किस सभ्यता की देन है, तो किस सभ्यता की देन है, हड़प्पा सभ्यता की। कांस्य युगीन यानी कि अगर कांस्य युग में रखी जाने वाली सभ्यता कौन सी है, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता कौन से युग की प्रधान है, तो कौन से युग की, कांस्य युग प्रधान सभ्यता है, क्योंकि तांबे और टिन को मिला करके इन्होंने एक नई धातु तैयार कर दी थी जिसका नाम क्या था, कांसा था। शांति प्रिय, सिंधु सभ्यता के लोग बड़े शांति प्रिय थे, ये लोग युद्ध नहीं किया करते थे। अगले जीवन में हम वैदिक काल के अंदर जाएंगे, उत्तर वैदिक काल में, या मौर्य साम्राज्य की तरफ, साम्राज्यवाद की तरफ बढ़ेंगे तो युद्ध युद्ध पड़ेंगे, लेकिन यहाँ के लोग युद्ध प्रिय नहीं थे, शांति प्रिय थे। क्यों, क्योंकि यहाँ से कोई हथियार हमें नहीं मिले थे। उसके बाद बात करते हैं कि मातृसत्तात्मक सत्ता थी इनकी, प्रधान देवी जो हुआ करती थी वो मातृ देवी हुआ करती थी, इसका मतलब ये स्त्री प्रधान समाज हुआ करता था। तो मित्रों आज के वीडियो में इतना ही, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। इसके अलावा मित्रों आपको बार बार हम जानकारी दे रहे हैं कि आप अपने मूल्यांकन के लिए आपको टेस्ट हल करने चाहिए, और आपकी इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने इंडियन लर्निंग ऐप शुरू किया है, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर के निःशुल्क ज्वाइन कर सकते हैं। तो मित्रों आज की वीडियो में इतना ही, नमस्कार, जय हिंद।